नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो विषय है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि असल में हम बहुत बार सुनते हैं कि भगवान बहुत दयालु है, आप एक कदम चलो वो 10 कदम आपको आगे बढ़ाएगा, भगवान के सामने मांगो वो एक नहीं तुम्हें लाखों देगा, या फिर भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। ये सब हमने बचपन से शायद सुनी होगी, मुझसे ज़्यादा आपने भी अपने जीवन में देखा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या असल में भगवान दयालु है, या फिर असल में नियति या फिर कठोर बन जाती है, या फिर असल में जो बुरी ताकतें हैं वो कभी कभी अच्छी ताकतों को क्यों हरा देती है? और अगर सच में मतलब अगर हम कुछ अच्छा करने जाए तो हमारे सामने समझो एक इंसान, मतलब कोई अपने लिए कुछ अच्छा करने जाए तो ठीक है, हम उसको स्वार्थ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहे तो ऐसे वक्त में भी उसके सामने ढेरों परेशानियाँ आती है, ढेरों संकट आते हैं, उसके ही लोग कभी कभी उसको पीछे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो नियति जो है वो क्यों कठोर बन जाती है इतनी, या फिर इस दुनिया में बुराई कभी कभी इतना हावी क्यों हो जाती है एक इंसान के सामने, इसके बारे में हम आज ज़्यादा से ज़्यादा डीपली नॉलेज मतलब इसमें लेने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, हम कितनी भी बात करें कि भगवान अच्छा है या फिर वो सर्वशक्तिमान है या फिर वो कुछ बड़ा है, अगर हम इतना कितना भी बोले लेकिन इतिहास की जाने तो हमारे खुद के जीवन में कभी कभी इतनी बुरी घटनाएँ होती है कि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या फिर मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, या फिर मेरा कोई भी था वो भी बहुत एक अच्छा इंसान था, फिर भी उसके सामने इतनी बड़ी परेशानियाँ क्यों आई, या फिर वो इस दुनिया से कभी कभी चला गया तो वो दुखी वहाँ पर और हम उसके लिए यहाँ पर दुखी, तो इस तरह से क्यों होता है इसका जवाब हमें बहुत बार नहीं मिलता। और सबसे बड़ा सवाल यही पर है दोस्तों कि क्या नियति कठोर बन जाती है, हमारा प्रारब्ध कभी कभी हमें इतना मतलब दुख क्यों देने लगता है। तो कुछ बातें आपके सामने 2-3 रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो गुलामों पर अत्याचार हुए थे 1860 में सिविल वॉर हुआ, 1861 में अमेरिका में, उसके पहले जो गुलामों पर अत्याचार हुए थे और उसके बाद भी कुछ साल चले, वो अत्याचार सचमुच आप अगर उसके बारे में किताबें पढ़ेंगे या फिर हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो मतलब ऐसा लगता है कि भगवान कहाँ पर था, ऐसे उनके सामने इतने बड़े बड़े मतलब क्यों परेशानियाँ आई। जब अफ्रीका से अमेरिका उनका जहाज़ आता था तब आंकड़े ये कहते हैं कि 500 लोग उसमें होते थे और जब तक वो अमेरिका में पहुँचे हैं सिर्फ 50 लोग, और बाकी के जो होते थे वो उनको जो मतलब नाव का जो सफ़र है वो उनको नहीं जमता था, इस वजह से उनको उल्टियाँ वगैरह आती थी और बाद में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो उनको उठाकर दोस्तों समंदर में फेंका जाता था। इस तरह से 500 लोगों को अफ्रीका के बोट में शिप में डालकर अगर ले आया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-70 लोग वहाँ तट तक पहुँचते थे अमेरिका के, लेकिन फिर भी उनको बेचकर उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, इसलिए वो ऐसा काम करते थे। तो बहुत बार लगता है कि वो बेचारे गाँव में रहने वाले अफ्रीकन लोग जिन्होंने कभी भी मतलब एक बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी, उनके साथ ये सारी चीज़ें आखिर हुई क्यों। उसके बाद अगर आए हम दूसरे वर्ल्ड वॉर में तो यहूदी लोगों पर जो अत्याचार हुए वो भी हम मतलब उसको सहन भी नहीं कर सकते, या फिर हम उसको सोच भी नहीं सकते कि ऐसा एक इंसान के साथ ऐसा आखिर होता ही क्यों है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें भी बहुत लोगों को मतलब ऐसे दुख का सामना करना पड़ा जिसको हम सोच भी नहीं सकते, उनके साथ क्या क्या हुआ दोस्तों वो मैं यहाँ पर आपके सामने बात भी नहीं कर सकता, इतने बड़े अत्याचार उनके सामने आए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जापान ने चीन के एक नैनकिंग में जो नैनकिंग मिसाइल कहा जाता है वो भी जो दुख है दोस्तों वो मतलब कल्पना से भी परे है। ये जो दुख है या फिर ये इंसान के सामने जो मतलब अभी बहुत बार मतलब इतिहास में से मतलब रक्तलांछित इतिहास ही है अगर दुनिया का देखा जाए, लेकिन अभी मैंने जो कहा वो बहुत ही ज़्यादा द्रावक है और इससे भी कुछ ज़्यादा बहुत ही भयानक ऐसे मिसाइल हुए हैं इस दुनिया में। तो नियति इतनी कठोर क्यों बन जाती है दोस्तों, बहुत बार आपको भी मुझे भी इस सवाल ने बहुत मतलब परेशान किया था और बहुत मैं सोचता था कि एक इंसान के सामने मतलब इतना बड़ा दुख, एक दुख हम सोचते हैं लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए उसकी भी, लेकिन इतना बड़ा दुख एक इंसान के सामने क्यों होता है। लेकिन जितना हम देख सके दोस्तों, या फिर जितना मैंने जब से आत्मलोक के बारे में वगैरह पढ़ाई करने की कोशिश की या फिर जो भी रिसर्च अपने हिसाब से मैंने किया उसमें मुझे कुछ सवालों के ज़रूर जवाब मिले दोस्तों। तो वो सबसे पहला ये जवाब है कि हम जितना भगवान को कहते हैं कि वो इतना मतलब बड़ा है या फिर वो इतना सर्वशक्तिमान है या फिर वो हमें मदद करता है क्या वो दयालु है, तो ये जो बातें हैं पूरी तरह से दोस्तों 100 नहीं 200% ये सच है, लेकिन वो उस तरह के नहीं है। जैसे होता है ना कि कोई दयालु अगर इंसान हो तो हमें क्या लगता है कि वो दयालु है मतलब वो हम पर कोई भी आँच नहीं आने देगा,
या फिर हमें कोई भी दुख नहीं होने देगा। तो हमारा समीकरण जो होता है दया को लेकर वो इस तरह का है, लेकिन असल में ये इस तरह से नहीं होता। महत्वपूर्ण बात ये है, असल में दयालुता भगवान की जो है वो इस तरह की है कि अगर हम कोई अच्छा काम करने के लिए जाए या फिर हम कुछ अच्छा कार्य करने के लिए सोचे तो कहीं ना कहीं से वो हमें किसी ना किसी रूप में मदद करने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई इंसान समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जाए तो ऐसे वक्त में उसको भी विरोध होता है, तो ईश्वर की उसको मदद करता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए आत्मा को जानना थोड़ा सा हमें महत्वपूर्ण है। जो हमारी आत्मा है वो एक स्तर में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि उसको आगे बढ़ने के लिए कभी कभी वो बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे कि कोई एक इंसान, मतलब आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 5वीं से 10वीं तक हम नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 7वीं में बैठकर कभी कभी 10वीं की भी परीक्षा देते हैं। ये करने से उनकी जो प्रोग्रेस है वो और बढ़ सकती है, या फिर उनका जो विकास है वो समाज के सामने बढ़ सकता है, या फिर आगे उनके लिए बहुत ही अच्छे रास्ते और बहुत ही जल्द, जो बाकी के लोगों के लिए 3-4 साल बाद खुल जाएंगे, ऐसे रास्ते उनको एक परीक्षा देकर, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करके या फिर उनके पास जो स्किल है उसका अच्छा यूज़ करके वो इस सारी चीज़ों को मतलब हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। वैसी ही बहुत सारी आत्माएं होती है ऐसी जो ऐसे दुख का जानबूझकर चयन करती है जिससे उसका विकास हो। ऐसे वक्त में मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी आत्मा ने कुछ मतलब ऐसी ही रिस्क लेने की कोशिश की ताकि वो बहुत ही जल्द बहुत ही आगे जाना चाहती थी। ऐसे वक्त में बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि उसके मार्गदर्शक और उच्च भली आत्माएं भी उसको रोकती है कि तुम ये सारी चीज़ें नहीं सहन कर पाओगे, इससे अच्छा ये है कि तुम नॉर्मली स्पीड पर या फिर नॉर्मली जो तुम्हारा जीवन है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन ऐसी जो आत्माएं होती है वो यही कहती है कि मैं जितना हो सके उस जीवन में ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी कामयाब हो गया तो मेरा बहुत सारा वक्त बच जाएगा। ये बहुत बार आत्माएँ सोचती है दोस्तों। और खुर्शीद भावनगरी जी ने खुद ने कहा है कि जीवन पृथ्वी पर जीवन लेना मतलब एक जुआ खेलने जैसा ही है। ये जुआ खेलने जैसा क्या है, ये इस बात में ही हम समझ सकते हैं कि क्यों ये जुआ खेलने जैसा है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे आत्मा ने जो चयन किया होता है वो कभी कभी हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे सामने जो चीज़ें आती है, जो भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार आती है, वो पूरी तरह से उसी तरह से परफेक्ट होती है जिस तरह से हमारे आत्मा ने चुनाव किया था। बहुत बार ऐसा भी, डॉक्टर बायनवीज जी को भी अपना एक जन्म याद आया था, तब उनका ये जन्म ऐसा ही था दोस्तों कि जहाँ पर वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर समाज में वो अच्छा प्रबोधन, उनको अच्छा मार्गदर्शन, एक प्रवचन देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको पकड़ा और उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा गया। और उस जीवन में अगर आप सोचो ना दोस्तों कि कोई अच्छा काम वो करने जा रहे थे, किसी का तो बुरा कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में भी उनके सामने बहुत बुरी हालत हुई। और जब उन्होंने आत्मलोक में जाकर इन सारी चीज़ों का अभ्यास करने की कोशिश की कि उस जीवन में आखिर ऐसा क्यों हुआ था, तब उनको ये पता चला कि उनकी आत्मा ने उस जीवन को इसलिए चयन किया था कि वो समाज का रोष या फिर वो सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, ऐसे वक्त में अगर समाज भी उनके खिलाफ हो गया फिर भी वो अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। ये सारी चीज़ें उनकी आत्मा ने उस वक्त चयन की थी। मतलब क्या है दोस्तों कि बुरा होना, अभी मैंने 2-3 बातें आपसे कही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वगैरह या फिर 19 की, इनके सामने हालात वैसे बुरे हुए हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी वजह होती है। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि समझो किसी 100 लोगों के साथ एक के ही वक्त में बुरा हुआ तो उन 100 लोगों की आत्मा ने भी वैसे ही चयन किया था क्या। ये सारी चीज़ें सच है दोस्तों। हाँ, वो 100 लोगों की आत्मा ने कुछ ऐसा चयन किया था कि उनके जीवन में कुछ बुरा होगा। हमें ये सारी बातें इस पृथ्वी पर पता चलना बहुत मुश्किल है। अनिता मुरजानी जी की अगर हम बात करें तो वो जब बहुत बीमार थी तकरीबन 1 से 1.5 साल, और उन्होंने ये कहा कि मुझे पृथ्वी पर तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब वो आत्मलोक में जब उनको एनडी का एहसास हुआ तब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी और उनकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जो एकदम करीबी दोस्त थी वो वहाँ पर दोस्तों उनके साथ हमेशा थे। तो ये बात हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन बहुत बार पृथ्वी पर हम उन्हें नहीं देख सकते या फिर पृथ्वी पर उनका हम एहसास भी हमें नहीं होता। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि जितना हो सके, हमें नहीं पता इसके पीछे की वजह, लेकिन इतना पता है कि अच्छे मार्ग पर चलना। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े संत हैं, मैं हमेशा आपको उदाहरण देता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस जी जो इतना बड़ा काम करते थे, जो इतने पवित्र थे, जिनको गले का कैंसर हुआ, एक अच्छा इंसान एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ऐसे वक्त में उसको इतनी बुरी बीमारी हो जाए और उस बीमारी की वजह से वो इस दुनिया से चला जाए, ये कितनी बुरी घटना है। लेकिन फिर भी इनको पता है कि इनकी आत्मा ने ये सारी चीज़ें क्यों चयन की या फिर उनका जो प्रारब्ध है वो किस तरह से इनके सामने इसलिए आया है। इसलिए ये कभी भी दोस्तों रोते नहीं, ये कभी भी बिलखते नहीं, ये कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देते, ये
उल्टा ईश्वर की और गुणगान गाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ईश्वर सच्चा है, उसमें तुम यकीन करो। बड़े बड़े संत, बहुत बड़े बड़े संत, संत चोखा मेणा नाम के एक संत थे, उनको मौत इतनी बुरी हालत से हुई कि दीवार उनके शरीर पर गिर गई और वो इस दुनिया से चले गए। आप समझिए दोस्तों, एक संत की मृत्यु इस तरह से होना कितना बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रोए। कहते हैं कि मरने के बाद भी उनकी हड्डी में से आवाज़ आ रही थी प्रभु की। ये सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि जो बड़ा इंसान है या फिर जो बड़े संत है, वो हमें ये सिखाते हैं दोस्तों कि हमारे जीवन में जो हमारा प्रारब्ध है वो हमसे नहीं छूट सकता, लेकिन हमारे हाथ में, और ये भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई है। बहुत लोग यही कहते हैं कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ या फिर उसके साथ, हमारे करीबी लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका जवाब यही है दोस्तों कि आपको सारे सवालों के जवाब एक दिन मिलेंगे, लेकिन ये फ़िलहाल का ये वक्त नहीं है, फ़िलहाल का ये लड़ने का वक्त है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी जो हालत है ना, वो एक ऐसे सैनिक की आप समझो कि जिसका एक राजा है, उसके राजा ने कुछ, मतलब जीवन में कुछ वो आगे बढ़ना चाहता है या फिर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध आया है। वो युद्ध क्यों आया है या फिर उस युद्ध के परिणाम क्या होंगे ये हमें नहीं पता, या फिर उस सैनिक को ये नहीं पता, लेकिन फिर भी उस सैनिक को युद्ध में जाकर लड़ना है। वो युद्ध उसने शुरू नहीं किया, उस युद्ध का उस सैनिक के कभी कभी वास्ता नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिक के पीछे ऐसी पार्श्वभूमि है जिसका वास्ता उस युद्ध से है। वो पार्श्वभूमि क्या है फिलहाल हमें नहीं पता। वो सैनिक जब वो युद्ध जीत जाएगा या फिर वो युद्ध में समझो मारा भी गया, फिर भी उसको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो सैनिक लड़े, बहुत ही अच्छे से लड़े। वैसे ही मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आई है, जो भी प्रारब्ध आए हैं, उससे हमें लड़ने की ज़रूरत है। उससे अगर हम बहुत ही अच्छे से लड़ने की कोशिश करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम इतने बड़े सिंहासन पर हमें बिठाया जाएगा, इतने बड़े मतलब कुर्सी पर हमें बिठाया जाएगा कि हमारे खुद के आंखों में आंसू आ जाएंगे कि भाई मैंने तो बहुत छोटा काम किया था और मेरे सामने ये सारी चीज़ें क्यों आई। लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा दोस्तों, क्योंकि जो सच्चा इंसान है वो कभी भी और कभी भी नहीं हार सकता। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।